हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल विजार्ड क्लासेस पर। ये जो है हमारा द हिंदू एडिटोरियल का क्लास है। ये जो है ये वोकैब का क्लास हमारे चैनल पे रेगुलर होती है। अगर आप लोग हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वर्ड है बेहीमोथ। ये जो है नाउन की तरह यूज होगा। इसका मीनिंग है समथिंग दैट इज एक्सट्रीमली लार्ज एंड ऑफन एक्सट्रीमली पावरफुल, यानी कि कुछ ऐसा जो बहुत बड़ा और अक्सर बेहद शक्तिशाली होता है, उसे ही बेहिमोथ कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है रीइटरेट। ये जो है वर्ब के तरह यूज होगा। इसका मीनिंग है टू से समथिंग अगेन वंस और सेवरल टाइम्स, यानी एक बार या कई बार फिर से कुछ कहना, उसे ही रीइटरेट कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड है अंडरपिनिंग। अंडरपिनिंग जो है नाउन के तरह यूज होता है। इसका मीनिंग है सपोर्ट स्ट्रेंथ और द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ समथिंग, यानी किसी चीज का समर्थन शक्ति या मूल संरचना, उसे ही अंडरपिनिंग कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड है फ्रेंड्स ओवरवेलमिंग। ओवरवेलमिंग जो है एडजेक्टिव की तरह यूज होता है। इसका मीनिंग है एक्सट्रीमली ग्रेट और स्ट्रॉन्ग, यानी कि अत्यधिक महान या शक्तिशाली, उसे ही ओवरवेलमिंग कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड है फ्रेंड्स स्पेकुलेशन। वर्ड के लास्ट में IUN लगा रहे तो नाउन के तरह यूज होता है। इसका मीनिंग है द एक्टिविटी ऑफ गेसिंग पॉसिबल आंसर्स टू ए क्वेश्चन विदाउट हैविंग इनफ इंफॉर्मेशन टू बी सर्टेन, यानी कि निश्चित होने के लिए पर्याप्त जानकारी के बिना किसी प्रश्न के संभावित उत्तरों का अनुमान लगाने की गतिविधि। नेक्स्ट वर्ड है फ्रेंड्स इंट्रीगुइंग। ये जो है एडजेक्टिव के तरह यूज होता है। इसका मीनिंग है वेरी इंटरेस्टिंग बिकॉज ऑफ बीइंग अनयूजुअल और मिस्टीरियस, यानी असामान्य या रहस्यमय होने के कारण बहुत ही रोचक, उसे ही इंट्रीगुइंग कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड है फ्रेंड्स एट द हैंड्स ऑफ समवन। ये जो है एक इडियम है। इसका मीनिंग है इफ यू सफर एट द हैंड्स ऑफ समवन इज ओके दे हर्ट यू और ट्रीट यू बैडली, यानी कि यदि आप किसी के हाथों पीड़ित होते हैं तो वे आपको चोट पहुंचाते हैं या आपको आपके साथ बुरा व्यवहार करते हैं, उसे ही कहते हैं एट द हैंड्स ऑफ समवन। नेक्स्ट वर्ड है डेड रबर। ये जो है एक टर्म है। इट इज अ टर्म यूज टू डिस्क्राइब ए मैच इन ए सीरीज इन विच द आउटकम हैज ऑलरेडी बीन डिसाइडेड बाय अर्लियर मैचेस, यानी कि एक श्रृंखला में एक मैच का वर्णन करने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला शब्द जिसका परिणाम पहले से ही पहले के मैचों द्वारा तय किया गया है, उसे ही कहते हैं डेड रबर। नेक्स्ट वर्ड फ्रेंड एक्सीलरेटिंग। ये जो है एडजेक्टिव की तरह यूज होता है। इसका मीनिंग है मेकिंग यू फील वेरी एक्साइटेड एंड हैप्पी, यानी जिससे आप बहुत उत्साहित और खुश महसूस करते हैं, उसे ही कहते हैं एक्सीलरेटिंग। नेक्स्ट वर्ड है फ्रेंड स्वैश बकलिंग। ये जो है एडजेक्टिव की तरह यूज होता है। इसका मीनिंग है बिहेविंग इन ए ब्रेव एंड एक्साइटिंग वे स्पेशियली लाइक ए फाइटर इन द पास्ट, यानी एक बहादुर और रोमांचक तरीके से व्यवहार करना, विशेष रूप से अतीत में एक लड़ाकू की तरह, उसे ही स्वैश बकलिंग कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड है फ्रेंड्स अनऑर्थोडॉक्स। ये जो है एडजेक्टिव की तरह यूज होता है। इसका मीनिंग है डिफरेंट फ्रॉम व्हाट इज यूजुअल और एक्सपेक्टेड इन बिहेवियर आइडियाज मेथड्स इटीसी, यानी कि व्यवहार विचारों विधियों आदि में सामान्य या अपेक्षित से भिन्न, उसे ही अनऑर्थोडॉक्स कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड है फ्रेंड्स ट्रेवल्स। ये जो है नाउन की तरह यूज होगा। इसका मीनिंग है द डिफिकल्टीज दैट आर एक्सपीरियंस्ड एज पार्ट ऑफ ए पर्टिकुलर सिचुएशन, यानी कि कठिनाइयां जो किसी विशेष स्थिति के हिस्से के रूप में अनुभव की जाती है, उसे ट्रेवल्स कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड है मेलाइस। ये जो है नाउन की तरह यूज होगा। ठीक है, इसका मीनिंग है ए जनरल फीलिंग ऑफ बीइंग स्लाइटली इल और अनहैप्पी विदाउट एनी पार्टिकुलर रीजन, यानी कि बिना किसी कारण के बेचैनी या फिर अप्रसन्नता, उसे ही मेलाइस कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है एग्जैजरबेट। ये जो है वर्ब की तरह यूज होता है। इसका मीनिंग है टू मेक समथिंग वर्स स्पेशियली ए डिजीज और प्रॉब्लम, यानी कि बिगाड़ देना विशेषता रोग या समस्या, उसे ही एग्जैजरबेट कहते हैं। ओके, तो ठीक है फ्रेंड्स, ये जो था हमारा द हिंदू एडिटोरियल वोकैब का क्लास था। ये हमारे चैनल पे रेगुलर होती है। अगर आप लोग हमारे चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और सभी लोग वीडियो को लाइक करें और वीडियो को शेयर भी करें। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू एवरीवन।